दोस्तों, हमारी इस विशाल पृथ्वी पे 220 से भी अधिक देश मौजूद है। हर एक देश की अपनी एक भौगोलिक परिस्थिति, एक राजनीति और कुछ विशेषताएं होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया के 10 सबसे बड़े देशों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और इस बीच आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस सूची में 10वें क्रमांक पे है अल्जीरिया। ये देश 23,81,741 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसकी की जनसंख्या है 4,30,00,000। अल्जीरिया ये देश अफ्रीका खंड के उत्तरी भूभाग में स्थित है। अल्जीरिया अफ्रीका खंड का सबसे बड़ा देश है। इस देश की इकोनॉमी एग्रीकल्चर और कच्चे तेल के भरोसे है। इस देश की 75% से भी ज़्यादा भूमि मरुस्थल है, जिसमें खेती नहीं की जा सकती। यहाँ के किसान उन्नत तरीके से एग्रीकल्चर करते हैं। साथ ही ये देश प्रोपेन का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। यहाँ की करेंसी अल्जीरियन दिनार है, जो कि भारत की करेंसी से 2 गुना कमज़ोर है। यहाँ 90% से भी अधिक जनसंख्या इस्लाम धर्म का पालन करती है। एक लंबी जंग के बाद ये देश 3 जुलाई 1962 को फ्रांस से आज़ाद हुआ था। इस देश का सबसे बड़ा शहर अल्जीरिस है, जो कि इस देश की राजधानी भी है। इसके बाद 9वें नंबर पे है कजाकिस्तान, जो कि 27,24,900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ देश है। इस देश की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही कम है और इस देश की जो लोक संख्या है वो 1,84,00,000। यह देश एशिया खंड के पश्चिम भूभाग में स्थित है। इस भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। प्राकृतिक संसाधन और खनिज संपत्ति से भरपूर ये देश दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है। 1991 के बाद यह देश सोवियत यूनियन से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना। इस देश की प्रति व्यक्ति आय $12,000 प्रति व्यक्ति है। इस देश के कई भूभागों में बहुत ही कम बारिश देखने को मिलती है। कजाकिस्तान के पास अपना एक सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन भी है, जो कि बहुत ही आधुनिक है। कजाकिस्तान इस देश का सबसे बड़ा शहर है अल्माटी, जो कि अपने सेब इन फलों के व्यापार के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अस्ताना यह शहर इस देश की राजधानी है। इसके बाद 8वें नंबर पे है अर्जेंटीना, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इस देश की सीमाएं 27,80,400 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और कुल जनसंख्या है 4,49,00,000। फुटबॉल प्रेमियों के लिए ये देश अपने सुंदर स्टेडियमों की वजह से आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यह देश सन 1816 में स्पेन से आज़ाद हुआ था। इस देश की आय का बहुत बड़ा हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है। साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यह देश बहुत ही तेजी से प्रगति कर रहा है। इस देश की प्रमुख भाषा स्पेनिश है और प्रमुख धर्म क्रिश्चियन है। यहाँ की लगभग 20% आबादी इस्लाम धर्म का पालन करती है। इस देश की आबादी का लगभग 90% हिस्सा शहरों में रहता है। और इस देश का सबसे बड़ा शहर और राजधानी ब्यूनस एरिस है। इसके बाद 7वें नंबर पे हमारा प्यारा देश हिंदुस्तान आता है। दक्षिण एशिया में स्थित हिंदुस्तान बहुत ही विशाल और एक महान देश है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश हिंदुस्तान ही है। आपको विविधता में एकता कहीं दिखाई देगी तो सिर्फ हिंदुस्तान में ही दिखाई देगी। यहाँ विभिन्न धर्म और विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग एक साथ रहते हैं। यह देश मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ही तेज़ी से प्रगति कर रहा है। हमारे देश का रेलवे नेटवर्क दुनिया का 4था सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। साइंस टेक्नोलॉजीज, एजुकेशन और स्पेस रिसर्च में हमारा देश दिन दुनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा है। हमारा देश दुनिया की 4थी सबसे मजबूत इकोनॉमी है और
और यह इकोनॉमी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज मेडिकल सेक्टर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन सेक्टरों पर आधारित है। नई दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और एक प्रमुख औद्योगिक महानगर है। ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप में बसा ऑस्ट्रेलिया यह मुल्क दुनिया का छठा सबसे बड़ा मुल्क है। इस देश का कुल क्षेत्रफल 76,92,024 वर्ग किलोमीटर है, मगर इतने बड़े इस देश की आबादी बहुत ही कम है। प्राकृतिक संसाधन और खनिज संपत्ति से भरपूर इस देश की जनसंख्या 2,56,00,000 से भी अधिक है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ इंसानों से भी ज़्यादा कंगारुओं की संख्या है। यह देश 1 जनवरी 1901 को यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर एक स्वतंत्र मुल्क बना था। इस देश के कुछ शहर और कई समुद्री बीच बहुत ही सुंदर है और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस देश का 60 से भी अधिक प्रतिशत भाग रेगिस्तान है, फिर भी यहाँ कई बड़े बड़े जंगल मौजूद है। यह देश खेल प्रेमियों की पसंदीदा जगह है और क्रिकेट यह खेल यहाँ पे बहुत माना जाता है। इस देश की राजधानी कैनबेरा है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर सिडनी है। इसके बाद इस सूची में 5वें नंबर पे है दक्षिण अमेरिका खंड का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील। इस देश की सीमाएं 85,15,767 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इस देश की प्रमुख भाषा पोर्तुगीज़ है और प्रमुख धर्म ईसाई है। इस देश में फुटबॉल यह खेल बहुत पसंद किया जाता है और फीफा वर्ल्ड कप इस देश ने 5 बार अपने नाम किया हुआ है। ब्राज़ील के रियो डी जानेरो शहर में स्थित क्रिस्ट द रिडीमर स्टैचू दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। 2016 में इस शहर ने ओलंपिक खेलों की मेज़बानी की थी। दोस्तों, यह देश कॉफ़ी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश है। इसके अलावा इस देश में एग्रीकल्चर सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा अमेज़न जंगल इस देश में ही मौजूद है। इस जंगल का क्षेत्रफल हमारे देश के क्षेत्रफल से भी बड़ा है। दोस्तों, इस देश की राजधानी ब्राज़ीलिया है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है साओ पाउलो। 95,25,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ अमेरिका दुनिया का 4था सबसे बड़ा देश है। इस देश की कुल जनसंख्या 32,90,00,000 से भी अधिक है। जनसंख्या की दृष्टि से यह देश दुनिया का 3रा सबसे बड़ा मुल्क है। दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था और दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका ही है। ईसाई धर्म इस देश का प्रमुख धर्म है और यहाँ पे 0.6% हिंदू भी रहते हैं और यहाँ 0.9% लोग इस्लाम धर्म को भी मानते हैं। इस देश की करेंसी US डॉलर है, जो हमारी करेंसी से लगभग 70 गुना मजबूत करेंसी है। इस देश का रेलवे नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। इस देश के कई शहर अपनी गगनचुंबी इमारतों के लिए मशहूर है। नैसर्गिक साधन संपत्ति से भरपूर यह देश अभी तक पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। वॉशिंगटन DC इस देश की राजधानी है और न्यूयॉर्क यहाँ का सबसे बड़ा औद्योगिक और सांस्कृतिक शहर है। इसके बाद 3रे नंबर पे है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क चाइना। चीन यह देश इतना विशाल है कि इसकी सीमाएं कुल 14 देशों से सटी हुई है। आबादी के हिसाब से यह दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इस देश की कुल आबादी 1,43,00,000,000,000 है। यहाँ की ऑफिशियल करेंसी चाइनीज़ युआन है और ये हमारे 9 रुपए के बराबर है। दोस्तों, चाइना की आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है और यह देश दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली मुल्क माना जाता है। दुनिया की सबसे लंबी दीवार वॉल ऑफ चाइना इसी देश में मौजूद है, जो कि लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। चाइना मैन्युफैक्चर ही नहीं, हर सेक्टर में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। बुद्धिस्ट धर्म इस
देश का सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन यहाँ पे ऐसे लोग ज़्यादा है जो किसी धर्म को नहीं मानते। इस देश की राजधानी है बीजिंग शहर और इस देश का सबसे बड़ा शहर है शंघाई। इस सूची में दो नंबर पे वो देश है जिसका नाम सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, वो है कनाडा, जिसका कुल क्षेत्रफल 99,84,670 वर्ग किलोमीटर है। इस देश की कुल आबादी 3,78,94,799 है। कम आबादी होने के कारण यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी लगभग 4 ही है। कनाडा का 20 से अधिक प्रतिशत एरिया जंगल है और यहाँ पे 20 से अधिक प्रतिशत एरिया हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है। विदेशों से यहाँ नौकरी करने के लिए बहुत लोग आते हैं। इस वजह से इस देश की आधी से भी अधिक जनसंख्या इस देश की मूल निवासी नहीं है। इस देश का प्रमुख धर्म ईसाई है और यहाँ भारत से आने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण इस देश को मिनी इंडिया भी कहा जाता है। इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है और इसके अलावा फ्रेंच लैंग्वेज भी यहाँ बहुत पॉपुलर है। इस देश में पर कैपिटा इनकम लगभग $50,000 है। इंडस्ट्रियल सेक्टर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन सेक्टर, इसके अलावा माइनिंग सेक्टर में ये देश काफ़ी तरक्की कर रहा है। इस देश की राजधानी ओटावा है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर टोरंटो यह है। इस सूची में नंबर एक पे है रशिया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इस मुल्क के विशाल क्षेत्रफल का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह देश भारत से 5.5 गुना बड़ा देश है और आबादी के हिसाब से यह देश 9वें नंबर पे है। इस देश की कुल आबादी 14,67,45,098 है। खनिज संपत्ति से भरपूर यह देश दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता है। अपनी अभेद और विशाल सैन्य शक्ति के साथ यह देश दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर मुल्क माना जाता है। इस देश का लगभग 35% हिस्सा बर्फीले पहाड़ों से ढका हुआ है। कहा जाता है इस विशाल देश में सूरज कभी डूबता नहीं, देश के किसी न किसी कोने से आप सूरज को देख सकते हैं। सुंदर जगहें, नदियां, पहाड़ और वन क्षेत्र की इस देश में कोई कमी नहीं है। इस देश का सबसे बड़ा शहर मॉस्को है और यही इस देश की राजधानी भी है। तो कुछ इस प्रकार थी दुनिया के 10 सबसे बड़े देशों की जानकारी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।